बेटा प्रधानमंत्री का है, लेकिन जिनको मंत्री बनाया है अभी विभाग आवंटित किए नहीं है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ जो भी व्यक्ति सांसद मंत्री बनता है उनकी डबल जिम्मेदारी बन जाती है प्रदेश के प्रति। अभी सरकार भी भाजपा की है केंद्र में राज्य में, तो मंत्री पहले भी बने थे, लेकिन राजस्थान को बहुत विशेष लाभ नहीं हुआ। हम लोग इतना मांग करते रहे, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर जो किल्लत है, आज जो हालात बने हैं बिजली पानी के, उसमें केंद्र सरकार का और सहयोग मिलना चाहिए था, क्योंकि सरकार भाजपा की है। अब मंत्री बने, अब देखते हैं वो कितना लाभ प्रदेश की जनता को दे पाते हैं। सिर्फ शपथ लेने से पार नहीं पड़ेगी ना, जनसेवा करनी पड़ेगी। केंद्र से हमारा जो हक है, अधिकार है, उसको लेकर आएँ, परियोजना लेकर आएँ, आवंटन बजट को करवाएँ, स्कीम्स बनाएँ, प्रोग्राम बनाएँ, जनता को राहत मिले, तब तो मंत्री पद लेने का कोई फायदा भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है वो कहीं ना कहीं आपस में टकराव पैदा कर राज करने की रही है। और ये देश सबका है, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत सब लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय दल है या जो कैबिनेट है उसमें देश की जो परछाई है वो कहीं ना कहीं कम दिखती होनी चाहिए, उतनी है नहीं। मैं एक आध दल ने कुछ नाराजगी भी प्रस्तुत की है उनके सामने, तो ये तो होगा, क्योंकि ये जनादेश खंडित था, ये किसी एक दल को सरकार बनाने का जनादेश नहीं था, ये एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट था और ये एक खंडित जनादेश था, हंग पार्लियामेंट थी। अब मिलीजुली सरकार बनी है, अब भविष्य में देखते हैं क्या आगे होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह का रवैया और जो शासन पिछले 10 साल में रहा वो शायद अब नहीं हो पाएगा। और अब संसद के अंदर भी जो विपक्षी दल हैं वो काफ़ी संख्या में जीत कर आए हैं, तो मनमाने तरीके से जो पहले संसद में कार्रवाई हुआ करती थी अब वो नहीं, हम नहीं होने देंगे। और सारा विपक्ष एकजुट है, एक मत है, और इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ संसद के अंदर संसद के बाहर सरकार को सचेत रखेगा, जवाबदेही तय करेगा, और मनमानी तरीके से जो पहले शासन चला था उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संतुलित कर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये कोलिशन सरकार है, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शुरुआती संकेत तो ऐसे हैं कि तेवर ढीले पड़े हैं, जो पहले जो रवैया था उसमें तब्दीली आएगी।